तो बच्चों, ये हमारा एक संस्था है जो एजुकेशन को लेके काम करती है। अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो इसका नाम है एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, तो शॉर्ट फॉर्म में AER बोलते हैं इसे हम। तो हम बच्चों को के साथ काम कर रहे हैं, और क्योंकि हमारी टीम कुछ एक्सपीरियंस है ऑलरेडी इंडस्ट्री में, हम काम कर रहे हैं, कुछ कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा आप हमें लगता है कि हम अच्छे तरह से आपको समझा सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए इन टर्म्स की आपके अच्छे मार्क्स आए। जैसे आप क्लास चैप्टर वन पढ़ेंगे आज मैथमेटिक्स में, तो हम टारगेट करेंगे कि उस चैप्टर वन के कौन से क्वेश्चंस लास्ट ईयर में आए थे, और कुछ पैटर्न हम स्टडी करेंगे लास्ट फ्यू फ्यू ईयर्स का, तो उसके बेस पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे और उसका सोल्यूशन समझाएंगे, ताकि आप उस चैप्टर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकें। तो मेरा नाम लखविंदर है, आप अगर इस साइट पर कभी विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं अपने कलीग मुकेश कुमार को ये पास कर रहा हूँ माइक, एंड ही विल एक्सप्लेन द चैप्टर वन इन डिटेल। हम ये सेशन रिकॉर्ड करेंगे और इसके बाद ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे। ओके, ओवर टू यू मुकेश। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का ट्यूटोरियल, और हम आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। मतलब मूव करने से पहले ये स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है, एंड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो मेरा है वो एमटेक है फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, एंड करेंटली मैं हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड में एज ए सीनियर डिजाइन इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और जो मेरा हॉबीज है वो फ्लूट प्लेइंग का है, स्विमिंग, बुक्स रीडिंग एंड टीचिंग। सो ड्यू टू दिस टीचिंग हॉबी वी आर हेयर टू सर्व यू द बेस्ट वे व्हाट वी कैन डू। ठीक है, सो मूव करते हैं अब आपके सिलेबस पे। आपका जो टोटल मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो 8 यूनिट्स में डिवाइड है। आई थिंक आप लोगों के पास ऑलरेडी बुक्स है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा। उसका जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो नंबर सिस्टम आता है, और नंबर सिस्टम के जो मार्क्स आपके बोर्ड में आते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स का आता है। और ये मार्क्स जो अप्रोक्सीमेटली हमने लिखा है, ये हमने स्टडी किया है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, जो 3-5 ईयर्स का क्वेश्चंस हमने आपके बोर्ड का स्टडी किए हैं, उसमें हमें ये दिखा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सिमिलरली एलजेब्रा है, पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ज्योमेट्री है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंस्युरेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपके लिए मेजर जो कवरिंग है, जो मेजर पोर्शन आपके एग्जाम में जो कवर करता है वो एलजेब्रा करता है, ज्योमेट्री करती है एंड दिस ट्रिग्नोमेट्री करती है। और आई थिंक ये आपके फ्यूचर के लिए कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, ये 3 चैप्टर्स बहुत ही रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनका वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम में भी ज्यादा दिया जाता है, सो दैट आप अपने फ्यूचर के लिए रेडी हो जाएं। तो अब हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 9th में भी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है, बट बस उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे सो दैट कि आगे हमें हेल्प मिलेगा। तो देखिए, नंबर सिस्टम जो है, हम यहाँ पे रियल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आप उस नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, और एक इमेजरी नंबर होता है जो अभी हम नहीं देखेंगे। इमेजरी नंबर आप जैसे क्लास 12th में जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे, तो आपको इमेजरी नंबर भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम रियल नंबर के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो रियल नंबर जो होते हैं, तो रियल नंबर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स होते हैं। अगर देखेंगे आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है ये आपको हम बताएंगे। उसके पहले हम ये थोड़ा देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। सो फर्स्ट नंबर सिस्टम में आता है आपका नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि नेचुरल नंबर अगर हम 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। बट नेचुरल नंबर्स इनको बोलते क्यों हैं?
नेचुरल नंबर्स हम इनको इसलिए बोलते हैं कि आप नेचर, आप जो भी आप नेचर में देख रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी नंबर में प्रेजेंट है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, इट मीन्स वो प्रेजेंट नहीं है। तो जो चीज नहीं दिखती है हम उसको क्या बोल देते हैं कि ये जीरो है, ठीक है। लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर इसलिए नहीं है कि हम उसको नेचर में नहीं देख पा रहे हैं। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 लाइक दिस। अब हम क्या करते हैं, हमें नेचुरल नंबर को होल नंबर, होल नंबर मीन्स अगर हमें मान लीजिए कि यहाँ पे लिखना है 100, तो 1 तो हमारे पास नेचुरल नंबर है, लेकिन 100 के लिए हमें दो ये डिजिट चाहिए। अगर इन डिजिट्स को हम नेचुरल नंबर के साथ ऐड कर देते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये होल नंबर बनाते हैं। तो अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो वो नंबर क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है, ठीक है। ऐसे अब आते हैं, होल नंबर हो गया, अब आते हैं इंटीजर्स। अब देखिए आप मैथमेटिक्स में जो बात करते हैं ना, मेनली आप बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स आपको पूरे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में कहीं भी अगर नंबर आता है तो वहां पे इंटीजर्स की बात की जाती है। इंटीजर्स की बात यूं करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा +1, -1 और कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे -2 एंड +2। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्लस वन क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर अगर हम 1 लिखते हैं, इसके हम एज्यूम करते हैं कि इसके आगे प्लस लगा रहता है, ठीक है। लेकिन जहां पे भी आपको ये माइनस साइन दिखने लगता है आप इसको नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब कैसे इंटीजर्स बोलते हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन के राइट साइड में अगर हम चलेंगे, मान लीजिए कि आपका ये 0 है, इधर जो भी आएगा 1, 2, 3 एंड 4। अब हम इधर जाते हैं -1, -2, -3, ठीक है, -4। तो ये नंबर्स क्या हैं, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स बोले जाते हैं, ठीक है, और ये सारे बोले जाते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स बोले जाते हैं। तो ये हमारा इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तीनों को अगर हम मिला देंगे तो वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब रेशनल नंबर्स आते हैं। यहाँ पे दो टाइप के नंबर्स आपको मैंने बोला था पहले, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए दे दिया गया है कि अगर ये नंबर इस फॉर्म में होगा तो हम उसे रेशनल बोलेंगे, और नंबर इस फॉर्म में नहीं होगा तो हम उसे इरेशनल बोलेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है, अगर कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पी बाई क्यू, देखिए पी बाई क्यू कोई फिक्स नंबर नहीं है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं ए बाई बी, ठीक है, एक्स बाई वाई, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई भी नंबर को हम ए बाई बी और एक्स बाई वाई के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं विथ गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है आपकी, कि जो डिनोमिनेटर है क्यू, ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में, मान लीजिए कि 5 है, अगर 5 में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं देता है। तो इसलिए हम ये कंडीशन रखते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें विद गिवन कंडीशन कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हम उस नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर। और जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हम उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे इरेशनल नंबर डाला है, ये √2, π, √72, √8/23, ये सारे नंबर्स हैं, हम इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आप √2 को फॉर्म में कन्वर्ट करने जाएंगे, यहाँ पे इसका 1.414 ऐसे कुछ नंबर इनफिनाइट तक चलता है, तो आपको कोई भी इसका डिविजिबल नंबर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे रेशनल नंबर जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं एंड रिपीटिंग डेसिमल, और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। सो ये हमारा कंप्लीट नंबर सिस्टम है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं आपका जो पहला चैप्टर है, जिसको आप जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आपके कोर्स रिलेटेड है, वो है आपका
नंबर सिस्टम की थ्योरम। अब देखिए, आपके फर्स्ट चैप्टर में मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, आपको HCF LCM फाइंड आउट करना है, और आपका आता है कि किसी नंबर का फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है, और एक ये आता है कि कोई नंबर, जैसे उसमें आता है कि ये इरेशनल है या रेशनल है, इसको आप प्रूव करिए। तो मेजरली 3 एंड 4 वैरायटी ये क्वेश्चंस आपके पास्ट 10 इयर्स CBSE बोर्ड के अगर मैं देखूं तो उसमें क्वेश्चंस आए हैं। और मैंने ये भी देखा है कि CBSE बोर्ड्स का क्वेश्चन और आपके बोर्ड का जो जम्बू बोर्ड के क्वेश्चंस हैं ये लगभग मैच करते हैं। मतलब जो क्वेश्चन CBSE में पूछा गया है वो क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछा गया है। तो हमें क्या मेन फोकस करना है, हमें कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन, कि कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन हो अगर हमें वो क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आता है तो हम उसको इजिली सॉल्व कर लें। अब देखिए, इसमें दो थियरम है, जो आपको स्टडी करनी है। फर्स्ट थियरम आती है यूक्लाइड डिवीजन थियरम। अब देखिए, यूक्लाइड क्या है, एक साइंटिस्ट का नेम है, ये एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। अब डिवीजन क्या होता है, डिवीजन मतलब कि ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, और लेमा लाइक दिस, अगर कोई भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रूवन अगर लॉजिक हम उसको फॉलो करते हैं उसको लेमा बोलते हैं। सो अगर यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये थ्योरम क्या बोलती है, बस ब्रीफ देखेंगे हम, इसका एप्लीकेशन जो भी है हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। गिवन पॉजिटिव इंटीजर, अब आपको मैंने बोला वहां पे कि इंटीजर्स कैसे होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो थ्योरम है ये थ्योरम ओनली रिलेटेड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। इसमें हम निगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं करते हैं। ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक यूनिक आप वर्ड इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब हम ये देखेंगे कि ये ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर क्या है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये डिटेल में बताऊंगा कि ये एक्चुअली है क्या। ये तो आपने देख लिया वहां पे, ए इंटीजर्स दिया है, बी इंटीजर्स दिया है, क्यू एंड आर क्या है। क्यू है आपका मल्टीप्लीकेशन है और आर आपका रिमाइंडर है। विद गिवन कंडीशन आपका आर होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो अनलेस देन बी, ये सब देखेंगे हम। सेकेंड थियरम आपकी आती है फंडामेंटल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखिए, यहाँ पे अर्थमेटिक नाम आ गया, वहां पे क्या था, डिवीजन। तो डिवीजन इज ए सबसेट, मतलब एक क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया, माइनस हो गया एंड प्लस हो गया एंड डिवीजन हो गया, तो ये क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। इसमें से एक जो ये डिवीजन है वो अप्लाई होता है आपके इक्वलाइड डिवीजन थ्योरम में। अब ये थ्योरम क्या कहती है, बस छोटा जल्दी देख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर से मिलके बने होते हैं। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका कोई भी डिवीजन नहीं होता है। जैसे अगर मैं लिखूं दो, तो दो एक्सेप्ट वन, प्राइम नंबर्स का वनली डिवीजन जो होता है वन से होता है, उसके अलावा किसी और से नहीं होता है। अब थ्री लिखो, अब थ्री को आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। फाइव, सेवन, आपने ऑलरेडी ये सब, 11, 17, 13, तो ये नंबर्स क्या हैं, ये नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इनका कोई भी डिवीजन नहीं होता है किसी भी नंबर से, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन, वन से किसी भी नंबर में डिवीजन हो जाता है। तो यह बोला कंपोजिट नंबर, ये सॉरी ये मैं लिखता हूं, ये प्राइम नंबर है, दीज ऑल आर द प्राइम नंबर। अब हमें ये देखना है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर सपोज दैट फोर, तो फोर को हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2। यहाँ पे अगर मान लीजिए 6, 2 इंटू 3, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं, मतलब ये दो डिफरेंट नंबर से मिलकर बने होते हैं। तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज्ड। फैक्टराइज्ड क्या होता है, फैक्टराइज्ड
तो अगर मैंने फोर को टू इंटू टू टू लिखा तो ये क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया इसके, मतलब टू इंटू टू हो गया, फोर के फैक्टर्स हो गए। एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स की बात हो रही है जो मैंने पहले बात किया प्राइम्स का, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब बोला है कि आप किसी भी नंबर का, कंपोजिट नंबर का अगर आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ टू इंटू टू, टू इंटू थ्री, तो वो क्या होगा, यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे मैंने टू इंटू टू लिखा, तो हम इसको लिख सकते हैं टू का ऑर्डर टू, यहाँ पे टू का ऑर्डर वन इंटू थ्री का ऑर्डर वन। ये बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर आर अकर्स। जैसे क्या है कि मान लीजिए कि कोई कोई नंबर एक से लेता हूँ, इसका फैक्टर हो गया टू का पावर फोर इंटू थ्री का पावर टू इंटू फाइव का पावर वन। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स तो ये यूनिक हैं, बट इनका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर यहाँ पे ये भी हो सकता है सेवन का पावर टू, तो ऑर्डर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोला है कि एक्सेप्ट दिस ऑर्डर द फैक्टर ऑफ दैट नंबर इज यूनिक। अब इसके अलावा इस नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता, ये मैंने बस जस्ट एक एग्जांपल के लिए लिया है इसको, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। अब मूव करते हैं, ये आपकी दो बेसिक थियरम है जो आपके फर्स्ट चैप्टर में आपको स्टडी करनी है, आपने किया भी है, मैंने उसको जस्ट ब्रीफ में बताया है। अब इनका यूज कैसे होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम उस पे मूव करते हैं। अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सिलेक्ट किए हैं और ये सेम क्वेश्चंस आपको रिपीटेटिव फॉर 10 ईयर्स मैंने देखा है कि इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, अब हम फर्स्ट चैप्टर के हेल्प फर्स्ट क्वेश्चन के हेल्प से ये समझेंगे कि हमारे जो दो थियरम का हमने स्टडी किया है उनका यूज क्या है, और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें अप्रोच कौन सा फॉलो करना है। सो बच्चों अगर मैं ये देखूं तो इसमें ये है कि द एच सी एफ एंड द एल सी एम, अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, तो ये देखिए यहाँ मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है और ये हो रहा है फैक्टर की बात हो रही है। तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा कि एच सी एफ एल सी एम होता क्या है, इनको निकालते कैसे हैं और इसमें थ्योरम का यूज कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आपके एच सी एफ एंड एल सी एम आपके नंबर कौन से हैं, नंबर हैं 12, 21 एंड 15, ये तीन नंबर्स को का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी जो थ्योरम है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है, इसमें ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई भी दो नंबर, अब देखिए आपके इस प्रॉब्लम में नंबर क्या है, थ्री है, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, दैट थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू नंबर्स। अब लेकिन आपको मैं ये भी बताऊंगा कि यूक्लिड का यूज कब करना है, अगर क्वेश्चंस में ये मेंशन है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर। देखिए यूक्लिड का यूज क्या होता है, यूज कहाँ करना है, ओनली एचसीएफ के लिए होता है इसका, और क्या है पॉजिटिव इंटीजर के लिए होता है, ठीक है, तो ये इसका यूज है, इसके अलावा इसको हम कहीं पे भी यूज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो हमें फैक्टराइजेशन एल्गोरिदम का यूज करना है जो हमने सेकंड थ्योरम पढ़ा था। सो मैं देखता हूँ कि इक्वलाइड का क्या पर्पज है, देन हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए मान लीजिए कोई एक नंबर देता है, सपोज दैट वो नंबर आपका, मैं छोटा नंबर लेता हूँ 12 है, और एक नंबर दे दिया थ्री, तो इसमें आपसे पूछा कि इसका एचसीएफ बताइए इस नंबर का, तो हमने पढ़ा है यूक्लिड में कि अगर कोई इंटीजर ए है पॉजिटिव इंटीजर और बी है उसका कोई मल्टीप्लीकेशन क्यू है प्लस आर, क्यू क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं थ्री से 12 में डिवाइड करता हूँ तो 3 4 जिया कितना हो जाएगा 12, तो जो बी है यहाँ पे वो आपका 3 है, जो 4 है आपका वो आपका Q है, और जो रिमाइंडर बचा है वो आपका हो गया R।
गिवन कंडीशन आपका आर इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन बी। क्यों? कि देखिए आप कोई भी नंबर से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं, सपोज दैट मैंने 5 में 3 2 से डिवाइड किया, तो आपने ये देखा होगा अगर मैं 2 2 जी यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो ये 1 आता है। अब बच्चों देखिए मैं 2 से 1 में डिवाइड नहीं कर पाता हूँ, क्यों नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू इसकी छोटी है। तो जो आपका बी है वो 2 है और आर है 1 है, तो ये आपकी कंडीशन हमेशा ये फॉलो होती है, इसीलिए आर की वैल्यू होती है वो बी से हमेशा छोटी होती है। ये बेसिक का आपका डिवीजन रूल है। अब बच्चों ये देखिए कि इसका यूज कैसे है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 12 इक्वल्स टू 3 इंटू, अब देखिए क्यों कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे 12 लिया है इसलिए मुझे पता हो गया, हो गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए लार्जर डिजिट है 415 है इंडिविजुअल वाइज हम 12, तो आपको जब 12 से 415 में डिवाइड करेंगे तो जो क्लोजेस्ट होता है, हम क्लोजेस्ट कैसे सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए कि करेंगे हम तब तक करेंगे जहां पे ये कंडीशन होगी, मतलब जो आपका आर अगर लेस देन बी, मतलब आर मान लीजिए 11 आ गया, 10 आ गया, 9 आ गया, तो हम वो नंबर जो 12 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये रिमाइंडर आया हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 4 प्लस, अब देखिए आर की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो जैसे ही आर की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, जो यहाँ पे बी है ये नंबर ये आपका हो जाता है HCF। तो हम इस थ्योरम के हेल्प से, अभी मैंने एक छोटा लिया है, अगर हम बड़े एग्जांपल्स पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका मेजर सिग्नेचर स्टेप बाय स्टेप चलता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, टिल हमें आर की वैल्यू कहाँ हो जाए 0। जब जैसे ही आर की वैल्यू 0 होती है, जो बी होता है वो हम बोल देते हैं कि ये इन दो नंबर्स का HCF है। अब आते हैं आपके प्रॉब्लम्स पे। आई होप कि आप लोगों को इक्वलाइट डिवीजन थ्योरम का बेसिक आइडिया लग गया होगा कि इस थ्योरम का HCF निकालने के लिए यूज कैसे होता है। अब मैं आपके प्रॉब्लम्स को देखता हूँ। अब देखिए बच्चों, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि HCF और LCM को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए अगर मैं अभी यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड, क्यों? क्योंकि ये नंबर 3 नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ पे इक्वलाइट डिवीजन थ्योरम नहीं लगा सकता हूँ। तो बच्चों अगर मैं 12 का फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगा, 12 का फैक्टराइजेशन जो आता है वो आपको आता है 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 21, अगर मैं 21 का करता हूँ तो ये 3 इंटू 7, अगर मैं 15 का करता हूँ तो बच्चों ये क्या आएगा 3 इंटू 5। अब देखिए बच्चों आपको फाइंड आउट करना है HCF और LCM, HCF और LCM। देखिए थोड़ा सा आपको बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है। सो इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ऑफ कॉमन फैक्टर, और LCM क्या होता है, ये होता है ग्रेटेस्ट पावर। आप इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि आपको हमेशा ये हेल्प करेगा, पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब देखिए यहां पे अगर मैं HCF के लिए क्या है, स्मॉलेस्ट पावर, पावर की बात हो रही है यहाँ पे, जो मैंने आप फैक्टराइजेशन बताया था ऑर्डर एंड पावर सेम है, ठीक है। आप कॉमन फैक्टर मतलब इन तीनों नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट पावर का कॉमन फैक्टर होता है हम उसको बोलते हैं HCF। अब देखिए कैसे बच्चों, अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2, इसको ऑर्डर भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, इसको ऑर्डर भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं, ठीक है। 2 का पावर 2 इंटू 3, ये मैं इजीली लिख सकता हूँ। यहाँ बच्चों मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, और यहाँ बच्चों में लिख सकता हूँ 3 का पावर 1 इंटू
5 का पावर 1। अब देखिए इसमें स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अब मैं बच्चों में दो, मैं सबसे पहले नंबर देखता हूँ 2, तो 2 का पावर क्या है यहाँ पे 2 है, लेकिन आप देखिए 2 का पावर 2 यहाँ पे तो मैंने देख लिया, लेकिन इन दो डिजिट्स में कहीं पे भी 2 हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम अब उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर देखना है, सब में कॉमन हो। अब नेक्स्ट नंबर जाते हैं बच्चों 3। अब देखिए 3 का पावर 1 यहाँ पे है, 3 का पावर 1 यहाँ पे भी है और 3 का पावर 1 यहाँ पे भी है। तो बच्चों मैं एस सी एफ निकालने के लिए मैं लिखूंगा पहला डिजिट 3 का पावर 1। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। देखिए 12 में 3 के अलावा कोई भी आपको नंबर्स नहीं है तो आप यहीं पे रुक जाइए। अगर मान लीजिए कि 12 के अलावा कोई नंबर अलग होता है जहां पे 3 के बाद भी कोई नंबर आता है, सपोज दैट मैंने लिख दिया कोई भी एक नंबर मैं ले लेता हूँ लाइक दैट, मैंने 50 ले लिया बच्चों, तो 50 को 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसमें भी 3 नहीं आया, मतलब तो हमें ये देखना है कि उसके बाद कोई नंबर है क्या। सपोज दैट यहाँ पे रहता 4, तो मैं अब यहाँ पे क्या करता, मैं 4 सर्च करता, 4 भी इनमें कहीं पे नहीं रहेगा, अगर है 4 तो हम यहाँ पे इंटू 4 लिख के कर देंगे। तो ये मैंने जस्ट आपको एक ब्रीफ समझाया है कि हम कैसे इसमें फाइंड आउट करते हैं, इसका आपको इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, तो हम आपके क्वेश्चन पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि 3 हमको मिल गया, एच सी एफ ऑफ 1221 इज 3। अब आते हैं बच्चों एलसीएम। एलसीएम क्या बोलता है, ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ स्मॉलेस्ट पावर की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए ग्रेटेस्ट, पहला डिजिट में ग्रेटेस्ट पावर 2 का क्या है, 2 to the power 4। अब हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, 2 to the power 2 into बच्चों 3, पहले डिजिट में 3 का ग्रेटेस्ट पावर हमें देखना है, ग्रेटेस्ट पावर। तो देखिए 2 कहीं भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है 2 कहीं नहीं है, लेकिन 2 हमें लेना है क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर लेना है। अब 3 जाते हैं तो 3 का यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो हम यहाँ पे 3 का पावर 1 लिख देते हैं। अब नेक्स्ट जाते हैं, देखिए आप लोग तो थोड़ा ये हो रहा है कि यहाँ पे सर ने एस सी एफ के लिए तो एक में ही सर्च कर लिया, यहाँ पे समय क्यों लिख रहे हैं। अच्छा देखिए यही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ फैक्टर की बात हो रही है, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर 3 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हमें फिर अगर मैं 21 पे मूव करूँ तो 21 पे 3 ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है, अब हमें क्योंकि इसके अलावा कोई भी पावर 3 का नहीं है, 7 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 के अलावा कहीं नहीं है। अगर 5 का पावर 2 होता तो मैं यहाँ 5 का पावर 2 लिखता, अगर 7 का पावर 3 होता तो मैं यहाँ 7 का पावर 3 लिखता। तो बच्चों अगर यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 4 × 3 × 7 × 5 = 420, ठीक है। तो अगर मैं आपके क्वेश्चंस पे मूव करूं तो आपके क्वेश्चंस में देखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है, अगर ये देखेंगे यहाँ पे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब यहाँ बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि 420 और 4 3 आप इसमें भी है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए एचसीएफ पहले आएगा और आफ्टर दैट एलसीएम आएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन हमने 420 और 3 हमारा आंसर आया हमने इस पर मार दिया, ये बिल्कुल ही गलत है। सो हमने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी में देख आपको बता देता हूँ कि अगर फॉर एनी दो नंबर, किसी भी टू नंबर्स के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो उन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। सपोज दैट यहाँ पे एक्स है इंटू वाई, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, कोई भी दो नंबर उठाइए उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए और उस नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करिए और उन नंबर को आप आपस से मल्टीप्लाई करिए, आपको रिजल्ट सेम आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो बच्चों अगर मैं आपको, ये आपका क्वेश्चन है 2020 का, अगर मैं 2019 में मूव करूं तो यहाँ आप देखिए
आपको सेम क्वेश्चन है, इफ एच सी एम सिक्स फाइंड एल सी एम, मैंने आपको वही बताया है। एंड अगर आप ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर में, यूजिंग इक्वलाइड एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 204 एट एंड 9036। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे छोटा नंबर नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा ये अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे इक्वलाइड थ्योरम का यूज कैसे करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको दे भी दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का कैसे होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे सिक्स से डिवाइड कर देंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। अब बच्चों देखिए, इसमें एक अदर वेराइटी का क्वेश्चन आपको मैंने बोर्ड में देखा है, वो आपको आता है कि अगर कोई भी पूछा है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैन नॉट बी। अब बच्चों आपको ना एक चीज ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले, पढ़ने के लिए ना आपको वर्ड वाइज वर्ड पढ़ के आपको मार्क कर लेना चाहिए कि ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, आदमी एक स्पीड में पढ़ता है, पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट को कैन मूव हो जाता है फ्रॉम, और ये पढ़ ले आपका आंसर, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो कैन नॉट बी आ फॉर्म 5q+2 आर 5q+3, मतलब अगर कोई भी एक नंबर है उसको हम अगर स्क्वायर करेंगे तो वो 5q+2 और 5q+3 के फॉर्म में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन कहना चाहता है। अब मैं बच्चों, और आप इसके जस्ट नीचे देखिए, प्रूव दैट वन ऑफ एवरी, इसमें ऑप्शन ये आता है कि आपको आइदर आप ये क्वेश्चन करिए, आइदर आप ये क्वेश्चन करिए, लेकिन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिख रहेगा प्रूव दैट वन ऑफ एवरी थ्री कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों अगर मैं बात करूं एवरी थ्री कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन एट नाइन। अब एवरी थ्री, ये थ्री हो गया, ये थ्री हो गया और ये थ्री हो गया, तो एवरी थ्री कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि कोई अगर पहला डिजिट हो गया, अगर वो थ्री से डिवाइड है, तो इसका जो थर्ड डिजिट आएगा वो फोर आएगा, ये मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसका थर्ड डिजिट जो आएगा वो थ्री आएगा, मतलब थ्री डिजिट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट होने वाला नंबर जो है वो इंटीजर इज डिविजिबल बाई थ्री, मतलब वो थ्री से डिवाइड होगा। तो ये दो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझते हैं कि इनको सॉल्व करने के लिए हमें अप्रोच क्या लगाना है। तो बच्चों अगर मैं पहला पहला क्वेश्चन पढ़ूं, इसमें ये बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी 5q+2 एंड 5q+3। देखिए अभी मैं इसको आपको बहुत इजी वे में बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला बेटा कि ए एक इंटीजर है और एक क्यू मैंने रेंडम नंबर ले लिया, क्योंकि क्यू वहां पे मेंशन है जो एक इंटीजर है। ठीक है, तो अगर देखिए मैं पहले ले लेता हूं ए इक्वल्स टू 5m, मैंने 5 क्यों लिया है क्योंकि आपके क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि ये 5q+2 और 5q+3 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो मैंने 5 ले लिया। अब मैं इसको स्क्वायर करता हूं, ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं बोल देता हूँ केस वन। ठीक है, केस वाइज केस देखेंगे क्योंकि हमें मिनिमम एटलीस्ट थ्री केस तक जाना है, सो दैट हमारा जो सोल्यूशन है वो हमें मिल जाए। मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 5 का स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 × 5m². अब देखिए एम एक इंटीजर मैंने लिया है, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने माना है कि एम एक इंटीजर है, लेकिन ये पूछ रहा है कि q के फॉर्म में हमें रखना है। ठीक है ना, तो q एक इंटीजर है, मतलब अगर m एक इंटीजर है, मतलब m 1 2 3 4 5 हो सकता है और q भी 1 2 3 4 5 हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर इक्वल टू 5q, ये केस वन हो गया। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, आपको समझ में अभी आ जाएगा। केस टू पे अगर मैं जाता हूँ तो बेटा देखिए मैं लिखता हूँ, क्योंकि
मैंने पहला डिजिट माना है, पहला डिजिट मैंने 1 2 3 4 5 6 जो हमने आपको बताया है उससे पहला डिजिट मैंने मान लिया कि ये 5M है, तो दूसरा डिजिट क्या हो जाता है 5M+1, ये तो बहुत ईजी है 5+1। अब मैं इसके स्क्वायर कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 5M+1 का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ 25M² + a + b का होल स्क्वायर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे +1। तो बेटा यहाँ से मैं 5 कॉमन ले, मुझे 5 कॉमन क्यों लेना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में दिया है कि आपको 5Q+2 और 5Q+3 को के फॉर्म में रखना है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5M² + 2M+1, बिल्कुल सही। तो अगर m एक इंटीजर है तो ये भी एक m² है, तो m² भी एक इंटीजर है, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ 5Q+1। अब देखिए बेटा केस 1 में 5Q आया, केस 2 में 5Q+1 आया। अब मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, केस 3 ले लेता हूँ, केस 3। अब केस 3 में क्या होगा, a = 5m+2। अब मैं यहाँ भी स्क्वायर कर देता हूँ तो ये आ जाएगा a² = 25m² + 20m+4। ये a + b का होल स्क्वायर है, इजीली हो जाएगा a² मैं यहाँ से भी 5 कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा 5m² + 4m+4। अब देखिए यहाँ भी m है यहाँ भी m है, तो मैं इसको q लिख सकता हूँ, तो 5q+4। अब देखिए बच्चों आपको केस केस जो केसेज हैं उसमें क्या है, 1 फर्स्ट केस 2nd केस और 3rd केस, नंबर क्या मिला है यहाँ पे मिला है 5 स्क्वायर या 5 क्यू, और यहाँ पे मिला है हमको 5Q+1, और यहाँ मिला है 5Q+4। तो अब देखिए कहीं भी हमको 5Q+2 और 5Q+3 नहीं मिला है, तो जो उसने प्रूव करने के लिए बोला है कि आप प्रूव करिए, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि विथ कंसीडरिंग केस 1 केस 2 एंड केस 3, हमें किसी भी नंबर पे 5Q+2 और 5Q+3 नहीं मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका फॉर्म 5Q+2 और 5Q+3 में नहीं आएगा। अब बच्चों आप अपने होमवर्क के लिए इसको कर सकते हैं, कोई भी आप रेंडम नंबर ले लीजिए, उसको आप स्क्वायर करिए और यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं कि यह इस फॉर्म में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, अब देखिए जो मैंने ये आपको थ्योरम बताया है स्टेप बाय स्टेप केस 1 केस 2 केस 3, आपको इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आपसे पूछता है तो आपको यही अप्रोच रखना है। अब सपोज दैट प्रूव दैट 1 of the every 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 3। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो इसको अगर मुझे प्रूव करना है तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसको अप्रोच क्या रखना है। देखिए आपको इसमें बेसिकली यही इसमें पूछा गया है कि आपको शो करना है कि किसी भी नंबर का अगर हम कंजुगेटिव नंबर निकालते हैं 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आपने पढ़ा है इक्लाइड में ऑलरेडी a = bq + r, ठीक है, यहाँ पे r = क्या हो जाता है 0 1 2 3 4 टिल कहाँ तक <b>, ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने। सो अब मैं बेटा लेता हूँ पहला डिजिट, मैं मानता हूँ मैं एक जगह पे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने a = लिखा a = 3Q, मैंने ये मान लिया कि जो पहला पहला नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। सेकेंड हम पूछते हैं a+1, अगर मैं a+1 देखूंगा तो क्या बेटा आएगा 3Q+1, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ a+2 तो क्या आएगा 3Q+2। सिमिलरली ये मैं इसको केस 1 ले लेता हूँ, ठीक है, केस 1,
मैं केस टू देखता हूँ, केस टू। अब देखिए यहां पे क्या है, मैंने क्या किया, आपने पहला इंटीजर लिया है ए जो 3Q है, अब दूसरा इंटीजर मैं लेता हूँ ए प्लस वन, क्योंकि मैंने एक इसमें ऐड कर दिया, तो अगर मैं ए प्लस वन लूंगा तो क्या आएगा, 3Q प्लस टू। अब 3Q प्लस टू कैसे आएगा, क्योंकि यहां पे ये हमको समझना है कि यहां पे ये समझना है कि ए ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3Q प्लस वन। क्यों, क्योंकि मैंने पहला जो डिजिट माना है वो माना है 3Q, ए इक्वल टू 3Q। मैंने यहां पे माना है ए इक्वल टू 3Q, तो जो सेकेंड केस में लूंगा मैं क्या करूंगा, 3Q में एक ऐड करूंगा, तभी तो मान लीजिए कि अगर मैंने वन लिया है जो टू है थ्री है, तो मतलब पहला डिजिट मैंने वन माना है, और वन के लिए मैंने ये तीन हमने चेक किया है कि अगर ए प्लस वन आएगा तो क्या आएगा, ए प्लस टू आएगा तो क्या आएगा। अब हमने यहाँ पे, अब हमने एक केस खत्म हमारा यहाँ पे इस केस में, अब सेकेंड केस में पूछ देंगे तो हमें फर्स्ट डिजिट में एक ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, तो ये 3Q प्लस टू आ गया। सिमिलरली अगर ए प्लस मैं टू करता हूँ तो ये आएगा 3Q प्लस थ्री। अब देखिए बेटा यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसमें ये बोल रहा है कि थ्री कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल। देखिए पहला नंबर ये क्या है, थ्री से डिविजिबल है, ठीक है, थ्री से डिविजिबल है, दैट दैट ग्रेट। अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने ए प्लस वन लिया है और ये क्या है, तीसरा नंबर है, तो ये भी डिविजिबल है थ्री से। मतलब आपको ये मिला कि पहला डिजिट दूसरा यहाँ पे डिविजिबल नहीं है और तीसरा डिजिट थ्री से डिविजिबल है। सो आप इसके थ्रू थ्रू आप बता सकते हैं कि एवरी थ्री कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई थ्री। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप नोट कर लीजिए, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसको क्लैरिफाई करेंगे। इसमें कहीं भी आपको ये नहीं सोचना है कि हमें डाउट है तो हम उसको रखें अपने पास, क्योंकि जो डाउट आपके पास रह जाता है वो लाइफ टाइम आपके पास ही रहेगा, ठीक है। अब हम बेटा ये दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो सीबीएसई बोर्ड में है, और आपके क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी आए हुए हैं, तो एक 4x4 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। अब अगर मूव करते हैं नेक्स्ट ईयर, अब देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है आपको। इसमें ये कह रहा है कि सी एफ एल सी एम, तो मैंने ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि सी एफ एल सी एम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है, तो आप इजीली इसको कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब ये लिख रहा है कि प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने आपको इरेशनल नंबर बताया है कि इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, गिवेन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए बेटा ये क्वेश्चंस आपको हर साल पूछता है, हर साल ये क्वेश्चंस आते हैं कि आपको प्रूव करना है कि एक नंबर इरेशनल है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं ना, इसको प्रूव करने के लिए हम ये मानते हैं, कोई भी क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हम मानते हैं सबसे पहले कि वो रेशनल नंबर है। तो मैंने मान लिया कि 2 + 5√3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए आपके मैथमेटिक्स में इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ता है कि वो नंबर रेशनल नहीं है, और वो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या होगा कि वो नंबर p/q के फॉर्म में अगर कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो ये नंबर क्या हो गया, इरेशनल। तो आपको सबसे पहले ये दिखाना है कि ये नंबर p/q के फॉर्म में जीरो है, और लेकिन अगर आप नहीं दिखा पाते हैं जीरो, तो आप ये मान लेते हैं कि ये नंबर क्या है, इरेशनल है। तो मैंने यही माना है कि ये नंबर रेशनल है, इट मींस मैं ये लिख सकता हूं 2 + 5√3 = a/b,
क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर को हम ए बाई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको मैं बस स्विच करता हूँ। स्विच कैसे करूंगा, अब मैं 5√3 इक्वल टू ए बाई बी माइनस 2 कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने 2 उधर लेके गया, और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा देखूँ तो अब 5 को भी मैं उधर ले जाता हूँ, तो √3 इक्वल टू ए बाई 5 बी, ए बाई 5 बी माइनस 2/5। तो बेटा देखिए यहीं पे आपको मिल जाएगा, आपने ये पढ़ा है, आप पढ़े रेशनल नंबर में, कि अगर कोई भी नंबर ए बाई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अगर उसमें कोई भी हम नंबर ऐड करते हैं एक्स बाई वाई जो रेशनल है, तो वो नंबर भी क्या होता है, रेशनल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये नंबर ए बाई 5 बी अगर रेशनल है, ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि √3 जो है वो क्या है, इरेशनल है, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपके, अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर एक नंबर इरेशनल है और एक नंबर रेशनल है, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, और दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स जो हमारा एजम्पशन है, जो हमने पहले माना है कि ये नंबर 2 + 5√3 एक रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग है, रेशनल नंबर है वो रॉन्ग है। क्योंकि आप देखिए, आप एक साइड आपको एल साइड इरेशनल मिल रहा है, आर एस साइड रेशनल मिल रहा है। इट मीन्स जो नंबर ये है 2 + 5√3, 2 + 5√3 वो क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है, आपको ये प्रूव हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप्स आप प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में जो फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए आते हैं। सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि कोई भी इंटीजर किसी नंबर से डिविजिबल है, या 3 कंजिक्यूटिव्स नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं, या PQ+2 और PQ+3 के फॉर्म में जो स्क्वायर होता है वो नहीं होता है। तो ये वैरायटी क्वेश्चन आते हैं। जो थर्ड वैरायटी क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये प्रूव करना होता है कि एक इरेशनल नंबर है, उसके साथ अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो वो भी इरेशनल है, ये आपको प्रूव करना होता है। और ये प्रॉपर्टी भी है कि अगर कोई भी इरेशनल नंबर किसी भी इरेशनल नंबर के साथ एड होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो वो नंबर ऑलवेज इरेशनल ही होता है, वो रेशनल नहीं होता है, ठीक है। सो अब बेटा एक एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपका लगभग लगभग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं, आप इस मेथड के हेल्प से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इसमें एक ये है कि यूजिंग इपोलाइट एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू जीरो फोर एट जिसमें एंड 960। अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँ ए इक्वल टू इपोलाइट थ्योरम, अगर मैं मेरी लिखूँ उगड़ी फोटो को थी है बी क्यू वो किसी चीज का प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। अब देखिए बेटा नंबर पहला लिखा है 2048 का HCF फाइंड आउट करना है, तो 960 भी नंबर है। तो मैंने क्या किया, मैंने अगर 960 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, प्लस 128 रिमाइंडर आएगा। देखिए 128 को मैं 960 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने 128 लिख दिया। अगर यहाँ 960 से कोई प्लस में नंबर होता तो यहाँ 3 से करता और वो जो रिमाइंडर आता वो लिखता मैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो ये नंबर बी है उसको हम लेफ्ट साइड लाते हैं इक्वल टू, और जो ये नंबर है ये बन जाता है क्या आपका बी। तो 128 × 7 प्लस, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम माफी मांगते हैं, ठीक है, प्लस 64, ठीक है। तो अभी भी ये आर की वैल्यू 0 नहीं है, मैंने बोला था आपको कि आर की वैल्यू हम तब तक ये स्टेप करते रहेंगे जब तक आर की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो
तो अब ये 128 आ जाएगा आपका लेफ्ट साइड में, और 64 आ जाएगा यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0, तब देखिए यहाँ पे बेटा आपको मिल गया कि जो 64 है वो आपका है HCl। तो ये इस मेथड की हेल्प से, ये स्टेप बाय स्टेप मेथड लगा के आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का HCl इजीली निकाल सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा हमें R को 0 करना है, और जो लास्ट में नंबर आता है B के प्लेस पे वो नंबर हमारा हो जाता है HCl। तो ये आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर मैं 2018 का क्वेश्चंस देखूं तो आप देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो बेटा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलते हैं किसको, 2 को, वही है। उसके अलावा तो कोई नंबर प्राइम नंबर स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि हम 1 को प्राइम नंबर बोलते ही नहीं है। तो जो प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट आता है वो 2 है, और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आता है वो क्या है बेटा, 3 है, सॉरी 4 है, क्योंकि 3 तो कंपोजिट नंबर है नहीं, 3 प्राइम नंबर। तो 2 और 4 का HCF निकालना है आपको, कितना इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी देखिए बेटा, गिवेन दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज इरेशनल। मैंने पहले पहले ईयर के 2019 के क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपको कैसे प्रूव करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96। पूछ रहा है कि फाइंड HCF एंड LCM, दो नंबर 404 एंड 96, एंड वेरीफाई दैट HCF एंड LCM इज प्रोडक्ट ऑफ टू गिवेन नंबर। मतलब जो HCF इंटू LCM आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ 404 × 96। अब बेटा आपको इसको देखना है कि आपको, देखिए HCF निकालने के लिए यहाँ पे आप फैक्टर मेथड भी लगा सकते हैं, और आप इक्विवेलेंट डिवीजन थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिएगा, आप चेक करिएगा कि इन दो, जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ इन दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है कि नहीं है। सो मैंने जो भी आपके बोर्ड की एग्जाम है उसके मैंने सारे क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो फ्रॉम माई साइड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज कंप्लीटेड।